हेलो गाइस, कैसे आप सब हो? कहता आप सर अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो यार, इट्स बीन अ सो लॉन्ग टाइम दैट मैंने कोई भी व्लॉग अपडेट नहीं किया बिकॉज मैं इवेंट में लगा हुआ था कॉलेज में एंड उसी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आज जो है, मैं आज का थोड़ा बता देता हूँ दैट अभी मैं रेडी हुआ हूँ बिकॉज आज मेरा इंटरव्यू है ITC होटल्स का, जिसके लिए मेरे को जाना है बनारस दास कॉलेज जो है गोवनपुरी के पास। सो अभी हो रहा है टाइम 7:30 अप्रॉक्स एंड मेरे को निकलना है। एंड अब आपको आगे बताता हूँ क्योंकि क्या है एंड मैं किस किस से मिलने वाला हूँ आज, वो भी बताऊँगा। सो दैट्स ऑल एंड मैं उस कॉलेज को भी दिखाऊँगा वो क्या है, कैसा है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें, मेरा इंटरव्यू कैसा गया, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा, सब कुछ डिटेल में आपको मैं बताऊँगा। सो आप देखते रहना, इन्जॉय करना एंड अब चलते हैं मेट्रो की तरफ। बाय। सो फाइनली मेट्रो पहुंच चुका हूँ, पीछे स्कूटी मैंने पार्क कर दी है एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मैं 7:30 निकलना था बट निकलते मैं लेट हो गया एंड अब फटाफट मेट्रो पहुंचना है। मेट्रो में अब ये बताता हूँ कि अभी INA पे मुझे दशनीत मिलेगी, उसके बाद हम वहाँ से कालका जी पे मुझे मिलेगी शिव्या एंड वहाँ से हम जाएंगे गोविंदपुरी क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन ही पड़ता है। तो भाई पर्ची भी ले ली है एज़ यूजुअल, पता ही होगा पिछले व्लॉग्स भी देखे होंगे। तो भाई अब इतना हो गया है एंड अब फटाफट से मेट्रो पकड़नी है और निकलना है क्योंकि यार मैं 3rd ईयर जब से स्टार्ट हुआ है भाई, मैं लेट हुआ नहीं हूँ, बहुत ही रेयर हुआ होगा कि मैं लेट हुआ हूँ। बट आज थोड़ा हो गया क्योंकि मेरा प्लान था 6 बजे उठने का, मैं उठा 6:30 अगर नाइस आधे घंटे, क्योंकि अब ठंड आ गई है, नींद तो आती आती है, तो बस वही दिक्कत है, एल्सो तो कुछ है नहीं। तो बस ये दो मिलेंगे एंड ईशान प्रीत भी मिलेगा, वो तो गोविंदपुरी में रहता है तो इतना कोई इशू है नहीं, वो वहीं पे मिल जाएगा सीधा कॉलेज के बाहर ही। तो फटाफट से मेट्रो पकड़ते हैं, दशनी से मिलाता हूँ, शिव से मिलाता हूँ, ईशान प्रीत एंड ऑल से मिलाता हूँ और फिर आपको कॉलेज वगैरह भी दिखाता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही एंड अब पहले मेट्रो पकड़ लो, उसके बाद बात करता हूँ। सो फाइनली मैं INA पहुँच चुका हूँ। अरे भाई तू भी चुप हो जा, बोलने दो पहले, उसको बोलने दो। तो INA फाइनली पहुंच चुका हूँ एंड लेट नहीं हुआ, फिर बड़ी बात ये है दशनी तभी आ रही है। सो यहाँ से उसको नॉट पिक बट हाँ उसके साथ कालका जी तक, क्योंकि वहाँ से शिव आएगी और वहाँ से गोविंदपुरी नेक्स्ट है जो बताया था मैंने ऑलरेडी। सो यही है अभी, तो अभी 2 मिनट है आने में, तब तक यहीं बैठा हूँ, एल्स अच्छा हुआ लेट नहीं हुआ, थैंक गॉड। तो बस अभी इतना ही है, उससे मिलवाता हूँ, शिव से मिलवाता हूँ, ईशान प्रीत मिलेगा तो उससे मिलवाऊंगा एंड आफ्टर दैट कॉलेज में दिखाते हैं आप कैसे ही ने। सो अभी के लिए इतना ही एंड स्टिल साथ रहो, देखते रहो। सो हम गोविंदपुरी पहुंच चुके हैं, दशनीत, शिव्या, विश्वास, दिव्यम, अनिकेत, अनुष्का, तो भाई ये सभी मेरे साथ जा रहे हैं इंटरव्यू देने। सही बोल दो, सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करना ठीक है। हाँ तो अभी चलते हैं, अनुज वगैरह कहाँ बाहर है? चलो वो लोग आ रहे हैं, आ जाओ, वेट कर रहे हो? आओ भाई, ये बड़े लोग तैयार हो रहे हैं। तो बस अभी यहाँ से एग्जिट लेते हैं, अनुज वगैरह लोग भी आ रहे हैं एंड बस उसके बाद शो हो गए। सो हम अंदर आ चुके हैं कॉलेज के, मतलब कैंपस के, वो रहा चांदी वाला, अगर आप दिख रहा हो थोड़ा आगे ले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो बस यही है, अनुज का वेट कर रहे थे बट वो बहुत ज़्यादा लेट आ रहे, तो हमने सोचा चलो यार चलते हैं, कितना लेट करके क्या ही करना है, अपना हमें ढूंढना भी है कि कौन क्या है कैसे है स्नैप वाले लोग। तो ये एस्टेट चांदी वाला, आगे देखते हैं क्या कैसे है। वैसे एक चीज़ है, ग्रीनरी अच्छी है, कुछ तो है, ग्रीनरी अच्छी है, कैंपस है ना भाई, तो अब अपने वाले बुराई नहीं कर सकते ना। वाओ पार्किंग देखो, साल हो गए कॉलेज में। ग्राउंड भी है, ओह माय गॉड, ऐसे भी कॉलेज होते हैं? ऐसे तो मैं नहीं देखे। देखो लेट लतीफ लोग गोविंदपुरी रहने के बाद भी टाइम पे नहीं आ सकते, पास में रहते वो सबसे लेट आते हैं। हाँ तो वही मैं बोल रहा था कब से, पास में रहते वही। और ये कपड़े
अरे यार मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हाँ तो बता ना। ये मत बोल दियो अपने कमर को सिकुड़ गए। अच्छा छोटा हो गया है। फिटिंग हो गया रे, समझते नहीं के। अबे यार बैंकर वो गया था ना, उधर कुछ इवेंट था। हाँ कौन सा इवेंट? बनारस में शर्ट और टाई वहीं पे रहेगी। वाह। और अब कैसे लाएगा? अब तो ला नहीं, एक हफ्ते कॉलेज है। नाइस, वेरी नाइस। भाई कहाँ भेज रहे हैं हमें? हाँ हाँ ठीक है, कत्था चूना ये लगाना तेरे को। तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। व्लॉग बन रहा चीचा। इतना टाइम बाद तो बना रहा है रात होगी। कहीं तो पहुंचेंगे। कहीं से चलो, अब बात उतनी पड़ी। अरे कल ही करे यार। कल मिक्स करके आयो। अरे अरे बड़े लोग, बड़े लोग, बड़े लोग। और भाई यजन, मौली, त्रिगुन, नाम भूल गया। हाँ ले रहा हूँ भाई, क्या हो गया? जाना कहाँ पे भाई, जाना कहाँ है? कहीं तो जाना होगा। कोई नहीं, देखते ढूंढते। वो कुछ दिख रहे बनाए दस चाँदने वाला करके कुछ। अच्छा ठीक है, चलो देखते आगे। इनका कॉन्फ्रेंस हॉल में हम जा रहे हैं, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल कुछ भी कह सकते हैं। अरे आ जा रे, लेग वर्कआउट हो जाएगा, क्या दिक्कत हो गई? और नहीं तो क्या, मॉली स्पॉटलाइट है रे, तीन चार फ्लोर की बिल्डिंग है, चल लो। फर्स्ट फ्लोर कंप्लीटेड, मिशन अकॉम्प्लिश। इतना टाइम बाद बना रहा हूँ भाई, मेरे को अजीब सा लग रहा है। कैसा लग रहा हो प्लीज बताना। स्मार्ट लग रहे हो, कैमरामैन बॉक्स। आज की न्यूज़ रिपोर्टिंग करेंगे जयपाल, कैमरामैन मॉरी जयसवाल फ्रॉम बनारस। हाय एवरीवन, आई एम नॉट फ्रॉम बनारस। वाराणसी? नो, आई एम फ्रॉम अलाहाबाद। अरे हाँ सॉरी, मैं भूल गया, अलाहाबाद। हाँ पर मैं तो बहुत मिक्स हूँ। अब तो गुड़गांव से हो? नहीं यार, मेरा मिक्स है। तो गुड़गांव से हो तुम? चुप रहो, गुड़गांव में रहता हूँ। चलो ओवर टू द व्लॉगर। ओवर टू द व्लॉगर। सब जा रहे हैं वही मैं देख रहा हूँ। है मतलब बंदे रहे नहीं, हमारा नहीं है तो मतलब और किसी का भी नहीं होगा। क्या कहना चाह रही है तू? कॉलेज की बेइज्जती मार रही है? कॉलेज वालों देख रहे हो ना, बेइज्जती मार रहा आपके स्टूडेंट अपने कॉलेज की। थैंक यू। इतना बड़ा ऑडिटोरियम भाई, कॉलेज हो तो ऐसा हो यार, इतना सही कॉलेज, ऑडिटोरियम है, सब कुछ है। हाँ पीछे देख रहे हो, पूरा सेटअप वेटअप के लिए भी है। बढ़िया भाई। भाई ये जो मैम है एंड मे बी सर है, तो ये आईटीसी ऐसे आए हैं एंड अभी इनका कुछ धमताना नाना चल रहा है। अभी देखते हैं, इनका कुछ प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होगा। मतलब पहले जीडी है, फिर एक्सटेम्पोर है, फिर इंटरव्यू है, पीआई है, फिर जीएम आई थिंक, सो ऐसे कुछ करके है। सो अभी देखते हैं। सारे हमारे डबल आई एचएम वाले यहाँ बैठे हैं, ये बनारसी दास वाले हैं और ये। सो अभी देखते हैं इनका क्या प्रेजेंटेशन है, क्या है, कैसे है, उसके बाद देखते हैं। We'll be right back.
300 acres of 27 holes Jack Nicklaus designer golf course. So good to be here. So let me briefly introduce my team. That is Chef Aksharaj Jodha. He's the executive chef of the hotel. Mr. Himanshu Bhandari, he has the food and beverage operations. And Ms. Priyanka, she has the housekeeping operations of the hotel. So it's always good to be here. And I was here almost a year back. I think we came in the month of November itself, last year also. Okay, we came in the month of March. So it was 9 months back when we were here. That time also I was very, very positive about that time we were not out of the pandemic yet. But I was very positive about this industry. And now we all have seen the bounce back that the industry has seen. So the hotel occupancies and the average rates are at all-time high, and there is what I anticipated that time, what I told your seniors also, that there's going to be an acute shortage of trained people in the industry. So when there is a shortage, when the demand is more and the supply is less, then it is the best win-win situation for people like us. Our demand goes up, we have growth opportunities, and people who are focused and people who work hard, then sky is the limit. So I'm very positive again, and I'm very confident, and I'm very happy to see and share that the industry is booming. It's bounced back like anything, and hotels are doing very, very well, not only within the country but even outside the country. And every hotel chain, okay, and especially the Indian chains, which have good cash reserves, they are expanding like anything. And ITC is one company, because since you just saw the presentation about the group, we are one company which has a very diverse portfolio. We are not only restricted to hotels. So hotels, in fact, constitutes less than 5% of our total businesses that we have. So ITC has a very diverse portfolio. So it gives us an opportunity. It gives us a big cash flow that we can invest and expand. And as we speak, ITC has recently launched two new brands. How many of you know about it? Anybody in the audience? The new brands that ITC has launched? Yeah, Momentous and Story. So Momentous and Story both are luxury, in the luxury segment. So Momentous by ITC and Story. So both the brands, and we'll be opening, like we have plans to open almost 3 to 5 hotels every quarter. So many hotels have been signed, and we need people to run those hotels. So the growth opportunity in the company is immense. All the hotels of the company, and also ITC is one of the very few companies where we own our assets, we own our hotels. So there is no owner. So there is no cost cutting, there is no salary cutting. We've seen 2 years of unprecedented times where the world has gone through a lot. Not only the hotels, but every industry suffered. But in these 2 years, ITC was the only company where there was not even a single employee who was asked to go, and no salary cuts. Every employee was working from home for 2 years, and they all were getting paid. So the only company to do that, and we could also manage to do it because we have such a diverse portfolio. Okay, so ITC means stability, ITC means a good career, ITC means growth. So the option is all yours, but I have worked with many different companies before, and I think this is one of the best companies.
What do you say? So Farhan also has worked with other companies. Chef has only worked with ITC, Manju, and so Farhan is the only person here who's worked with other companies also apart from me. So I think, I feel ITC is one of the best companies, one of the best options right now. And looking at the current scenario also, the uncertainty is still there. And we, because of our diverse portfolios, because we don't only bank on hotels, we have other verticals, other businesses to support in case anything goes wrong. So that's how we are able to sustain. So we will we go through the presentation now. So we'll give you a quick presentation. How many of you have seen ITC Grand Bharat? So ITC Grand Bharat, it's a all suites hotel. Okay, we are on the outskirts of Delhi NCR. A beautiful retreat. We are one of the most preferred wedding destinations, not only for people for Delhi NCR region, but we have people coming in from all the way from Punjab. We are very well connected because of the KMP Expressway. So we have lots of weddings, destination weddings, where we have people coming in all the way from Punjab, and in fact, a lot of NRI weddings. So this year we are doing lots of NRI weddings, where one of the parties from outside India, the other parties from India. And wedding has emerged as a very big segment in the hotels, especially post the pandemic. Apart from weddings, we do a lot of corporate MICE, corporate offsites, and it is also a wellness destination which is closer to Delhi NCR. So people take a day out, and it's a nice, beautiful retreat spread in an area of 25 acres. And we've got a golf course, 27 holes, Jack Nicklaus golf course, which is attached to the hotel. We've got specialty restaurants, bar, one of the largest health club, the spa that we have in Delhi NCR. So we'll just run you briefly through the presentation about the hotel. We can start. क्या बोला अभी दोबारा बोलियो बोल ना अन्नी अनुभव गाजियाबाद बोल डन भाई ये हमारा प्रेजेंटेशन हॉल है यहाँ सारे बैठे पड़े हैं सही बात है अपने कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं सुंदर है भाई बहुत खूबसूरत लड़की है हमारे सुंदर कॉलेज में प्राउड होना चाहिए बोल भी कौन रही है गलती से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पास हो गई आधी कॉलेज है नहीं सो गाइस जस्ट अभी मेरा जीडी कंप्लीट हुआ है एंड द टॉपिक वाज क्या क्या हाँ वही बता रहा हूँ तो भाई हमारा जीडी का टॉपिक तो हम पहले गए बैठे हम 10 लोग थे ठीक है तो उसने पूछा कि जीडी का टॉपिक क्या होना चाहिए तो यजन ने बोल दिया कि यूक्रेन और रशिया वाला मैंने हाँ बोला बट फिर और सब ने कह दिया नहीं नहीं हम इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग टॉपिक बता दो क्या देना है तो वन ऑफ द फेलोमेट्स ने बोल दिया कि ऑड इवन पॉल्यूशन क्या हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ तो वो सब किया उसके बाद उस पर स्टार्टिंग मैंने अच्छे से आंसर कर दिया फिर यजन ने बोला फिर और सब ने बोला हम लाइक इतना बोल रहे थे कि उन्होंने बोल दिया जो नहीं बोल रहे उनके बारे में बोलो उनको बोलने दो तो वो सब हुआ उसके बाद फिर अपना मुझे बोला एंड करने के लिए तो मैंने अपने एक जो ऐड ऑन करना था पॉइंट मैंने अपना वो पॉइंट ऐड किया
फिर एक जो बंदा आया हुआ था फ्रॉम अनदर कॉलेज, उसको कहा कि कंक्लूड कर दो टॉपिक के लिए, तो उसने कंक्लूड किया, तो ये सब हुआ एंड अभी रिजल्ट आएगा, देखते हैं। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, अगले तो अभी आ रहा है, QSR आएगा, QSR में ट्राई मार लेंगे। तो ये सब हुआ और भी मेरे सबका ही हो गया ऑलमोस्ट, जितना हम आए थे 12 बंदे, सब ने अपना इंटरव्यू और GD दे दिया है। अब बस रिजल्ट का इंतजार करें, बस रिजल्ट आ जाए उसके बाद जो हो जाएगा उनका बढ़िया है, जो नहीं होगा वो लोग वेट करेंगे। आई होप सबका हो जाए ज़्यादा बढ़िया यार, क्या ही दिक्कत है, बट देखते भी क्या होता है। तो बस अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं, आगे क्या होता है मैं आपको रिजल्ट वगैरह बताता हूँ। सो फाइनल रिजल्ट आ चुका है एंड हमारे कॉलेज से अप्रॉक्स 6 to 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, मैं नहीं हुआ, डोंट नो व्हाई, मैंने भी अपना बेस्ट था, बट कोई नहीं यार, आगे भी और भी आएंगे, उसमें ट्राई करेंगे एंड होपफुली अगले वाले में हो जाएंगे। सो दिस ऑल द थिंग्स एंड अभी तो बहुत सारे मेरे दोस्त वगैरह हो रखे हैं, वो सब अपना देंगे, अभी उनका एक्सेम्पोर एक टॉपिक है, मतलब उस पर होगा, फिर नेक्स्ट राउंड होगा उनका मे बी PI होगा एंड PI के बाद होगा उनका GM राउंड एंड वो कल होगा ITC भारत में, ग्रैंड भारत में मानेसर के वहाँ पे। तो अभी यही सब है एंड दैट्स ऑल। तो आज का मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो बस आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना एंड ऐसे अभी और भी आएंगे, अब मैं पॉज नहीं लूँगा बिल्कुल भी, आगे ऐसे करता रहूँगा, देते रहेंगे, और भी अगर कहीं जाऊँगा तो उसकी ब्लॉग दूँगा। सो बस इतना ही है आज के लिए, थैंक यू सो मच, आपने मेरा ब्लॉग देखा, इन्जॉय किया एंड कमेंट बॉक्स में बताना आपने क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी ज़रूरत है वो मैं कर लूँगा। सो दिस ऑल द थिंग्स एंड बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।